दोस्तों, अभी तक हम बात करते आ रहे हैं कि हमारे पास बहुत सारी धरोहरें हैं और हम बड़े बदनसीब हैं कि उन धरोहरों को संभाल नहीं पा रहे हैं। उनका महत्व हमें अभी तक शायद पता नहीं। सर, हम जीतने के बाद बंदा सिंह बहादुर ने सहारनपुर, बुढ़िया, अंबाला, शाहबाद, सढ़ौरा, पानीपत तक का इलाका जीता था और उसके बाद पहली सिख राजधानी और सिख रियासत जहाँ बनी थी वो जगह थी लोहगढ़, जहाँ पर इस वक्त मैं खड़ा हूँ। और शिवालिक की तराई में ये इलाका है और 1710 में नाहन स्टेट यहाँ पड़ती थी, वहाँ पर खालसा का जो झंडा है वो फहराया गया और गुरुओं के नाम पर सिक्के यहाँ पर चलाए गए। हालांकि थोड़ी ही देर तक ये यहाँ पर जो रियासत थी वो चल पाई, क्योंकि मुग़ल बादशाह बहादुर शाह ने अपने आप फौज को लीड किया और इस अभियान में जो खालसा फौज है उसको काफ़ी नुकसान हुआ था। तो उसके बाद खैर फिर 1711 में खालसा फौज ने यहाँ पर अधिकार किया और 1712 तक वो अधिकार रहा। उसके बाद फिर बंदा बहादुर हारते हैं और जो मुगलिया जो कब्ज़ा है दोबारा इस जगह पर होता है। तो मुगलिया दौर में ही ये जगह बर्बाद हुआ था यह किला। इस किले की निशानियां भी आज यहाँ पर नहीं बची। कहते हैं वो जगह जो है जहाँ पर मैं इस वक्त खड़ा हूँ उसे थोड़ी सी ऊपर है, हम वहाँ खैर नहीं जा पाए, पर इतना ज़रूर पता चला हमें कि वहाँ पर अब वो ईंटें भी नहीं बची हैं। तो ये आलम है हमारी सजगता का, हमारे निशानियों के प्रति, हमारी संस्कृति और हमारे प्रतीकों के प्रति। तो फिलहाल जो भी है, लोहगढ़ के नाम पर ये जगह है जहाँ पर मैं खड़ा हूँ। एक सामने छोटा सा गुरुद्वारा है, हालांकि दो और गुरुद्वारों का निर्माण यहाँ पर हो रहा है। बंदा सिंह बहादुर की बहादुरी की वजह से ये पहली जो सिख रियासत है वो यहाँ पर स्थापित हो पाई। और बंदा सिंह बहादुर के बारे में बहुत सारी कहानियाँ, किस्से मुगलिया फौज में भी पाए जाते थे। वो कहते थे कि वो अपना भेष बदल सकते हैं, वो जानवर की सूरत या किसी और आदमी की सूरत अख्तियार कर सकते हैं, उनको पकड़ना बड़ा मुश्किल है। तो खैर, ये थी पहली सिख रियासत और यहाँ पर अगर आप पहुँचना चाहें तो उसके लिए आप यमुनानगर आएँ। यमुनानगर से आप बिलासपुर आ सकते हैं। बिलासपुर से ये 10-15 किलोमीटर, एक ये भगवानपुर एक जगह आती है, गांव आता है, वहाँ से ये थोड़ा ही दूर है। और यहाँ तक पहुँचने का रास्ता अभी तक बहुत बढ़िया नहीं था। हरियाणा सरकार जो मौजूदा अभी है उसने यहाँ पर जो रास्ता है उसको नए सिरे से बनवाने का काम शुरू किया है। यहाँ पर एक कॉलेज का भी निर्माण अब हो रहा है। तो इस जगह की तकदीर अब धीरे धीरे बदल रही है, पर बहुत अफसोस होता है कि इतनी महत्वपूर्ण जगह है तो क्यों ये इतनी उपेक्षित है। हमारे सिख धर्म के अंदर बहुत सारे प्रतीक हैं, बहुत सारी जगह हैं जिनका महत्व है, उनको उसी ढंग से संभाला, सजाया, संवारा गया है, पर जाने ये क्यों जगह अब तक उपेक्षित रही। हालांकि अब समय बदला है तो शायद बदल ही जाएगा।